अरे दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लेजिस्लेचर। मेरे दोस्तों, इससे पहले पॉलिटिकल साइंस के मैंने बहुत सारे टॉपिक्स बनाए हैं और उन सभी टॉपिक्स को पॉलिटिकल साइंस की प्ले लिस्ट में प्रॉपरली मैंशन कर दिया है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग, नेचर, स्कोप, देन लिबर्टी, इक्वलिटी, लॉ, देन राइट, ड्यूटी एंड बहुत सारे टॉपिक्स, आप रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेज। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी टॉपिक है वहाँ पे स्टेट, सेपरेशन ऑफ पावर, गवर्नमेंट, काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सभी एक्सेस कर सकते हो। मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इंट्रोडक्शन के पास के साथ मैं सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करूंगा। अगर मैं इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो वी नो दैट द पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। हमें पता है पॉलिटिकल साइंस हमें गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में बताती है। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट इज़ बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द विल ऑफ स्टेट इज फार्मूलेटेड। गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसके माध्यम से स्टेट क्या चाहता है, कंट्री क्या चाहती है, उसकी इच्छा को एक्सप्रेस किया जाता है, फार्मूलेट किया जाता है। अगर एक कंट्री चाहती है कि उसके लोगों का वेलफेयर हो तो एक्चुअल में वेलफेयर करने वाली कौन होगी, गवर्नमेंट होगी। अगर हम बोलें कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बना रही है, अच्छे रिलेशनशिप बना रही है, तो एक्चुअल में रिलेशनशिप कौन बनाएगा, मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा, गवर्नमेंट और उसके जो इसके वेरियस पीपल्स होंगे गवर्नमेंट की, वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज़ बेसिकली दैट टाइप ऑफ सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन विच फॉर्मुलेट विच एक्सप्रेस द विल ऑफ स्टेट। तो गवर्नमेंट जो है इट वर्क्स थ्रू इट्स थ्री इसेंशियल ऑर्गन्स। गवर्नमेंट तीन अपने ऑर्गन्स के माध्यम से काम करती है। एक ऑर्गन का नाम है लेजिस्लेचर, दूसरे ऑर्गन का नाम है एग्जीक्यूटिव और तीसरे ऑर्गन का नाम है जुडिशरी। गवर्नमेंट बेसिकली वर्क्स थ्रू थ्री ऑर्गन, वन इज लेजिस्लेचर, अदर वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक्स द लॉ, विच मेक्स द लॉ, जो लॉ बनाता है, कानून बनाता है। लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ। एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच एग्जीक्यूट द लॉ, जो लेजिस्लेचर के जरिए बनाए हुए कानून को एग्जीक्यूट करता है, लोगों तक एनफोर्स करता है। एंड जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच अल्टीमेटली इंटरप्रेट्स द लॉज मेड बाई लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटेड बाई एग्जीक्यूटिव। जो लॉ लेजिस्लेचर बनाता है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, उस लॉ को फाइनली इंटरप्रेट कौन करता है, उसको फाइनली समझाता कौन है, उसमें कोई वेगनेस है उसको दूर कौन करता है, वो हमारा जुडिशरी करता है। तो इन टूडे सेशन विल डिस्कस अबाउट लेजिस्लेचर। आप इंट्रोडक्शन में सारी बातें लिखोगे तो लेजिस्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स मीनिंग। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले मीनिंग के साथ शुरू करते हैं, लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या होता है। तो लेजिस्लेचर बेसिकली इज़ अ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इज़ एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक्स द लॉ फॉर द कंट्री। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का जो लॉ बनाता है। लेजिस्लेचर इज़ अ जेनरिक टर्म, ये एक जनरल टर्म है, जनरल टर्म है जिसका मतलब होता है अ बॉडी विच लेजिस्लेट, अ बॉडी विच लेजिस्लेट। अर्थात लेजिस्लेचर का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जो लेजिस्लेट करती है, जो लॉ बनाती है, विच लेजिस्लेट, जो लॉ बनाती है, उस बॉडी को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं। मेरे दोस्तों, लेजिस्लेचर को हम कभी कभी पार्लियामेंट वर्ड भी यूज़ करते हैं, आपने पार्लियामेंट सुना होगा। तो लेजिस्लेचर के सिनोनिमस में हम कभी कभी पार्लियामेंट वर्ड भी यूज़ करते हैं। अगर मैं पार्लियामेंट वर्ड की बात करूँ तो ये पार्लियामेंट वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज के, फ्रेंच नॉट लैटिन, दिस इज फ्रेंच
फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड से आया है। फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से लिया गया है। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको कि लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं। पार्लियामेंट, द वर्ड पार्लियामेंट इज यूज एज द वर्ड सिनोनिमस ऑफ दिस लेजिस्लेचर एंड दिस पार्लियामेंट वर्ड इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच वर्ड पार्लियामेंट एंड इट मीन्स डिस्कशन, इट मीन्स डिस्कशन। तो लेजिस्लेचर का मतलब ये भी होता है एक प्लेस ऑफ डिस्कशन, जहाँ पे डिस्कस हो सकता है, जहाँ पे कुछ डिबेट होती है, डिस्कस होती है। तो अगर हम लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट जर्नल टर्म और स्पेसिफिक टर्म को कंबाइन कर दें, दोनों को कंबाइन कर दें, तो हम ये बोल सकते हैं कि लेजिस्लेचर एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो लोग हैं वो डिस्कस करके लॉज बनाते हैं, डिबेट करके लॉज बनाते हैं, डिस्कशन करके लॉज बनाते हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट वी से लेजिस्लेचर। इन जनरली लेजिस्लेचर क्या होता है, इट इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक्स द लॉज आफ्टर डिस्कशन फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। नाउ विल डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं लेजिस्लेचर के फंक्शंस की बात करूं, तो सबसे पहला फंक्शन बड़ा ही महत्वपूर्ण फंक्शन है और वो हमें डेफिनेशन से भी समझ आता है। द फर्स्ट फंक्शन इज लॉ मेकिंग फंक्शन या लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो लेजिस्लेचर का सबसे पहला काम कानून बनाना होता है, कानून बनाकर लोगों के लिए जो है वो कानून को आगे लाना होता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इन एशियन टाइम, इन ओल्ड टाइम, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सभी सोर्सेज ऑफ लॉ माने जाते थे। जो लोगों के कस्टम थे, ट्रेडिशन थे, वही कानून होते थे, उन्हीं को माना जाता था। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम पर, अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, इस टाइम समकालीन वर्ल्ड में अगर मैं बात करूँ, तो लेजिस्लेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक्स द लॉ। इट इज़ अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ लॉ। अगर मैं बोलूँ लॉ कहाँ से आता है, तो आप आराम से बोल सकते हो जी लॉ हमारा लेजिस्लेचर बनाता है। लॉ लेजिस्लेचर एक लॉ बनाने का सोर्स है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू लेजिस्लेट और इज टू मेक द लॉज फॉर द पीपल ऑफ द नेशन। इन द एशियन टाइम कस्टम्स वर द लॉज, द वर्ड्स ऑफ द किंग वर द लॉज, कमांड ऑफ द किंग वर द लॉज। बट नाउ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ लॉ इज लेजिस्लेचर। सेकेंड इज डेलीबरेटिव फंक्शन। मेरे दोस्तों, डेलीबरेटिव का मतलब होता है डिस्कस करना, डिस्कशन। डेलीबरेटिव मीन्स डिस्कशन, डिस्कस करना। तो सेकेंड जो फंक्शन है लेजिस्लेचर का, वो है डिस्कस करने वाला फंक्शन। ये जो लेजिस्लेचर है, एक ऐसा ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो डिस्कस करता है, जो डेलीबरेट करता है, डिबेट करता है। तो इसका सेकेंड फंक्शन ये होता है लेजिस्लेचर का कि जितनी भी नेशनल पॉलिसी, नेशनल बेनिफिट के लिए पॉलिसीज हैं, उनको पार्लियामेंट में डिस्कस करना। लोगों के जो व्यूज़ आ रहे हैं सोसाइटी में, कंट्री में, लोगों के जो ओपिनियन आ रहे हैं, उनको एक्चुअल में लेजिस्लेचर में सभी लोगों ने आपस में डिस्कस करना, उसके ऊपर बातचीत करनी, फिर उसके बारे में सोचना कि इसकी क्या पॉलिसी बन सकती है और क्या लॉज इसके लिए बन सकती हैं। दिस इज़ द सेकेंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। द सेकेंड फंक्शन इज बेसिकली टू डिस्कस अबाउट द वेरियस पॉलिसीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, टू डिबेट ऑन वेरियस टॉपिक्स, टू डिबेट ऑन वेरियस लॉज, सो दैट अ गुड लॉज कैन बी मेड फॉर द पीपल ऑफ कंट्री। जो तीसरा फंक्शन है वो है कस्टोडियन ऑफ द नेशनल फाइनेंस। तो मेरे दोस्तों, जो लेजिस्लेचर है उसको वो कस्टडी करता है एक नेशनल के फाइनेंस की। देश में कितना भी फाइनेंस है, पैसा कहाँ खर्चा जाना है, क्या उसका एक्सपेंडिचर होगा, किसके ऊपर लगाया जाएगा, ये सारा डिसाइड करने वाला बेसिकली लेजिस्लेचर ही होता है। मेरे दोस्तों, हर साल जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो एक बजट प्रिपेयर करती है, जिस बजट में पिछले साल का सारा खर्चा और अगले साल कहाँ कहाँ खर्चा करना है, एजुकेशन में कितना पैसा लगाना है, हेल्थ में कितना पैसा लगाना है, नेशनल हाईवेज में कितना पैसा लगाना है, उसके बाद रेलवेज में कितना पैसा लगाना है, आर्मी में कितना पैसा लगाना है, इस सारी चीजों का एक प्रॉपर बजट बनाया जाता है और इस बजट को एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में पेश करती है। फिर लेजिस्लेचर उस बजट के ऊपर डिस्कस करती है अपने डेलीबरेटिव फंक्शन के को एक्सरसाइज करते हुए, और उसके बाद उस बजट को फाइनली हरी झंडी दे देती है कि यस, ये बजट पास हो गया। मेरा बोलने का अभिप्राय क्या है मेरे दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, कि एक देश के फाइनेंस के ऊपर सही मायने में देश के गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर
जो होता है, जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है उसका कंट्रोल रहता है, उसे देश के फाइनेंस का कस्टोडियन माना जाता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, द अदर फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज लेजिस्लेचर, अदर वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर होता है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखता है। मेरे दोस्तों, ये जो पॉइंट है वो आप स्पेशली दोगे इन रेफरेंस टू पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग इस पॉइंट को बोलोगे आप। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होती है वह अपने कामों के लिए, जो भी वो काम कर रही है उन कामों के लिए लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, तो प्रेसिडेंशियल को आप छोड़ दो। आपने बोला इन रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर मेक्स अ प्रॉपर चेक एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इट्स एक्टिविटीज टूवर्ड द लेजिस्लेचर। आप ये लिखोगे तो जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल बनाती है। दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। देन कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। लेजिस्लेचर एक ऐसी ब्रांच है गवर्नमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन परफॉर्म करती है। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन का मतलब होता है अमेंडमेंट फंक्शंस, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लेजिस्लेचर है वही तो लॉज में अमेंडमेंट लेकर आती है, उसको ही पावर है कि जो लॉज बने हुए हैं कंट्री में उनमें चेंज लाया जा सके, उसके पास फुल पावर दी गई है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इंडिया में भी जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, वो सिंपल मेजोरिटी का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, वो स्पेशल मेजोरिटी का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। अमेंडमेंट कभी पढ़ेंगे हम तो मैं आपको अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से बताऊंगा, तीन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। तो जो लेजिस्लेचर वो तीनों तरीकों का यूज़ करके, अपना कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। दिस इज द अदर फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। देन इलेक्टोरल फंक्शन। कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेचर है वो इलेक्टोरल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। हमारे इंडिया में ही देख लो, द इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट इज बींग डन बाई द पार्लियामेंट। जो वाइस प्रेजिडेंट, जो वाइस प्रेजिडेंट हमारे, उनका इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेजिडेंट का, जितने भी हमारे दोनों हाउसेज के MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउसेज के, लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, वही वाइस प्रेजिडेंट का इलेक्शन करते हैं। अगर मैं प्रेजिडेंट की बात करूँ तो प्रेजिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें कौन आते हैं, MLAs आते हैं, MPs आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये आते हैं, लोकसभा राज्यसभा और सभी मेंबर्स आते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो है वो इलेक्टोरल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये फंक्शन परफॉर्म करती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का ये फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक पॉइंट है जुडिशियल फंक्शन। जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। लेजिस्लेचर एक्ट्स एज द कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट, कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट। अगर हम इम्पीचमेंट की बात करें, महाभियोग हिंदी में बोलते हैं इसको, महाभियोग की बात करें, जो कि एक प्रोसेस है प्रेसिडेंट को हटाने का और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का। तो अगर हम इम्पीचमेंट की बात करें तो इम्पीचमेंट की कहाँ जाती है, कौन इम्पीचमेंट इनिशिएट करता है, किस जगह पर इम्पीचमेंट होती है, जी लेजिस्लेचर में होती है, पार्लियामेंट में होती है। लोकसभा या राज्यसभा में इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, फिर ऐसे करके डिस्कशन करके किसी को हटाया जा सकता है। तो जो हमारे लेजिस्लेचर है वो एज ए कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट का काम करते हैं, जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी को उसके ऑफिस से हटाने के लिए जो प्रोसेस है वो लेजिस्लेचर कंप्लीट करता है। इसके अलावा अगर आप इंग्लैंड में जाओ तो इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, हाउस मतलब सदन, दो सदन है इंग्लैंड में, एक हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हाउस ऑफ लॉर्ड। जैसे इंडिया में राज्यसभा लोकसभा है, वैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड है और हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड है इसको हम फाइनल कोर्ट ऑफ अपील मानते हैं, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, जो कि लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। फाइनली अपील हाउस ऑफ लॉर्ड के पास जाती है किसी भी केस को लेकर।
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि इंग्लैंड में भी लेजिस्लेचर जुडिशियल फंक्शन इस तरह से एज ए कोर्ट ऑफ अपील परफॉर्म करता है। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर दें, और साथ ही मेरे दोस्तों आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारा गूगल पे नंबर मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपको हमारे लेक्चर हेल्पफुल होते हैं तो आप हमें हमारी हौसला अफजी के लिए आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 8219820461। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे सभी पे ये नंबर वहाँ पे है, एग्जिस्ट करता है। तो आप हमें 1 रुपये से लेके 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,00,000 रुपया, कितना भी जहाँ जो आपका मन हो, इच्छा हो, आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर। अगर मैं लेजिस्लेचर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? तो मेरे दोस्तों को किसी भी कंट्री का लेजिस्लेचर दो प्रकार से हो सकता है, या तो यूनी कैमरल या फिर बाई कैमरल। मेरे दोस्तों एक बार मीनिंग समझ लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ। यूनी का मतलब होता है सिंगल, और बाई का मतलब होता है डबल। बाई का मतलब क्या होता है? डबल। तो यूनी कैमरल का मतलब होता है हाउस, कैमरल मीन हाउस, या बोल सकते हो चैम्बर भी बोल सकते हो इसको, चैम्बर। यहाँ भी कैमरल का मतलब क्या है? हाउस या फिर चैम्बर। तो जो लेजिस्लेचर है किसी भी कंट्री में, या तो वो यूनी कैमरल हो सकता है या वो बाई कैमरल हो सकता है। यूनी कैमरल का मतलब क्या है? या तो लेजिस्लेचर ऐसा हो सकता है उसमें दो हाउसेज आएंगे, दो सदन आएंगे, दो चैम्बर आएंगे, या फिर वो यूनी कैमरल हो सकता है, मतलब उसमें सिंगल हाउस आएगा, सिंगल चैम्बर आएगा, या हाउस बोलो या चैम्बर बोलो, बात एक ही है। और बाई कैमरल में का मतलब है एक ऐसा लेजिस्लेचर जिसके दो हाउसेज होंगे या दो चैम्बर होंगे। तो मेरे दोस्तों इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बाई कैमरल पार्लियामेंट है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पर हमारे पास दो हाउसेज हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। आप अमेरिका चले जाओ, वहाँ भी बाई कैमरल है, एक सीनेट है और एक कांग्रेस है। अगर आप यूके चले जाओ, वहाँ भी बाई कैमरल ही लेजिस्लेचर है, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स। इन सभी कंट्रीज में बाई कैमरल है। तो लेजिस्लेचर या तो बाई कैमरल हो सकता है या यूनी कैमरल। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट हमने फॉलो करी हुई है, जिसमें सेंटर की अपनी गवर्नमेंट है, स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। तो इंडिया में क्या है, सेंट्रल लेवल पर तो बाई कैमरल है, बाई कैमरल मतलब दो हाउसेज हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। लेकिन अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो स्टेट्स में सभी स्टेट्स का एक जैसा नहीं है, 6 और 7 स्टेट्स हैं जहां पे बाई कैमरल है और बाकी सभी स्टेट्स में यूनी कैमरल है। यूनी कैमरल कौन सा? बस लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। जैसे सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे स्टेट लेवल पर इंडिया में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो पूरे इंडिया में सभी स्टेट्स में है, पर काउंसिल केवल 6 या 7 स्टेट्स में है, इससे ज़्यादा नहीं है। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, लेजिस्लेचर का कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आल्सो। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सपोर्ट अस, कीप सपोर्टिंग अस, लाइक आर वीडियो आल्सो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, स्टे विद अस।